खबर से दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर एक खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल है और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण साव भाजपा मुख्यालय में इस बैठक में शामिल है। तो तमाम दिग्गजों के साथ ये बैठक जारी है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। तो केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ओम माथुर और तमाम बीजेपी के दिग्गज सबसे पहले आनेश 24/7 पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक में छत्तीसगढ़ के नामों को लेकर, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर चर्चा होनी है और संभवतः बहुत जल्द नामों का ऐलान भी हो सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में नामों का ऐलान हो चुका है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। देखना होगा कि पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। ओम माथुर, जिनको प्रभारी छत्तीसगढ़ का बनाया गया और लगातार वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य को वो समझ रहे हैं, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, दुर्ग संभाग हो, रायपुर हो, सभी जगहों पर लगातार ज़मीनी स्तर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात हो, बैठक का दौर हो। और ये पीएम मोदी की तस्वीरें हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली के हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, ये बैठक कितने देर से शुरू हुई है और कितना वक्त हो चुका है इस बैठक को लेकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आ रहे हैं सामने? स्पर्श, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिल्ली से सीधे दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, बैठक में जाने के वक्त की ये तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो तय करेगी छत्तीसगढ़ का भविष्य और साथ ही अन्य राजनीतिक हालातों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। और एक बार फिर से दोबारा हमारे साथ दिल्ली के हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में मौजूद है और किस तरह की इस बैठक में चर्चा हो रही, खासतौर पर चुनाव को लेकर क्या सूची पर मुहर लग सकती है? देखिए, इस वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी इसमें मौजूद है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इस बैठक में मौजूद है। अमित शाह इस बैठक में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन समेत अन्य जो नेता है डॉक्टर रमन सिंह, ये इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है प्रत्याशियों की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो जारी होती हुई जो है नजर आ सकती है। कई सारे फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी जो है विचार करती हुई जो है नजर आई है। हमने देखा था कि पहली जो बैठक हुई थी तो उसमें एबीसीडी कैटेगरी बनाई गई थी कि जो सबसे कमजोर सीट है उन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से जो अब बैठक हो रही है तो उसमें नया फॉर्मूला जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा उसी संदर्भ में हो सकता है कि कई सांसदों को जो टिकट है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में उतारती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में तमाम तैयारियों की बात की जाए या फिर पूरी तरीके से रणनीतिक रूप से बात की जाए, तमाम जो समीकरण है उनको साधते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है छाव मैदान में उतरना चाहती है। और इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि लगातार आज दिन भर बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया था, जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले जो चुनाव सह प्रभारी है मनसुख मंडाविया उनके आवास पर बैठक हुई, फिर जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और अब औपचारिक मोहर लगाने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो तमाम नामों पर डिस्कशन होता हुआ नजर आया वो रखे जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या माने कि आज रात तक जो नाम है उनका ऐलान हो सकता है और अगर होता है तो कितने नाम हो सकते हैं
और जिस तरह से पिछले बार मध्य प्रदेश में चौंकाया गया था, क्या इस बार भी चौंकाने की तैयारी है? देखिए, नामों को लेकर हो सकता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। सूची को लेकर खासतौर पर हम बात करें, ये जो है जो क्योंकि श्राद्ध पक्ष चलता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही शुभ मुहूर्त में तमाम अपनी जो लिस्ट है वो जो है जारी करती हुई जो है नजर आती है। हालांकि अंतिम मोहर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है लगती हुई नजर आएगी और इसके बाद ये अभी कहा जा रहा है कि इसके बाद लगभग 10 तारीख के आसपास एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कई सारे सांसद जो है इस लिस्ट में जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ये पुख्ता तौर पर जो जानकारी है वो हमारे सूत्र जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे दिन भर जो मैराथन बैठकों का दौर है, होमवर्क जो है पूरी तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए जो है बिल्कुल जाहिर तौर पर। और INS 24/7 की तरफ से जैसे कि पहले ही ये बताया भी गया था प्रधान संपादक की तरफ से भी कि सांसदों के नाम जरूर शामिल होंगे INS 24/7। और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने पहले ही बता दिया था कि इसमें सांसदों के नाम लगभग तय हैं। ऐसे में इंतजार बस इस बात का है कि सूची जल्द से जल्द जारी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू।